माय चैनल और सुबह के हो रहे हैं 6 और हम सब तैयार होके गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। और इस बार मम्मी पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं और देखते हैं मम्मी पापा के साथ कैसा रहता है और उन्हें कितना मज़ा आता है मनाली घूमने में। आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी मनाली ट्रिप की। आगे तक जाने का हमने इस बार प्लान बनाया है, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। पहले मनाली तो पहुँच जाए और हम निकल चुके हैं और रास्ते का मज़ा लेते हुए जाएंगे। और पापा ने भी बीच बीच में ड्राइव करी है कार, क्योंकि उन्हें भी ड्राइविंग करना बहुत पसंद है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम लोग पहुंच गए हैं अंबाला और बहुत मज़ा आ रहा है और बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। बच्चों के खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट हमने किया हुआ है और रास्ते में रुक रुक के हम लोग जा रहे हैं और रुक कर अब हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, जो कि हम घर से ही लाए हैं। और अब हम निकल चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ इस टाइम पे बहुत गर्मी हो रही है तो हम पी रहे हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। और मनाली रह गया है 237 किलोमीटर्स और दूर से ही हमें पहाड़ दिखने शुरू हो गए हैं। और दर्श उंगली देके बता रहा है, देखो मम्मा मुझे पहाड़ दिख रहे हैं। और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं कि अब हम जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे मनाली। Thank you.
ये रही हमारी पहली टनल जिसमें से हम लोग निकल के जाएंगे, और बहुत ही मज़ा आ रहा है टनल के अंदर से निकल के जाने में, और इससे हम जल्दी जल्दी अपने डिस्टेंस भी कवर करते चले जाएंगे। और बच्चे बहुत खुश होते हैं जब टनल के अंदर से निकलते हैं। और रास्ते में हमें बारिश भी मिली और मौसम इतना अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा सा, और बच्चे अपना हाथ बाहर निकाल के बारिश को फील भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। और अब मनाली रह गया है 157 किलोमीटर्स, और जल्द ही हम लोग पहुँचेंगे मनाली, और रास्ते का इसी तरीके से मज़ा लेते हुए। और अब हम पहुँच गए हैं दूसरी टनल में। दूसरी टनल भी वैसी ही है, सुंदर सी, और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं टनल में आते ही। और ये तीसरी टनल में से हम निकल के जाएंगे, और इन टनल्स की वजह से ही सचमुच हमें डिस्टेंस का पता नहीं चल रहा है। Thank you.
और अब मनाली रह गया है 86 किलोमीटर्स। और सचमुच इन टनल्स की वजह से ही हम लोगों ने अपना सफ़र बहुत जल्दी जल्दी कवर किया है। और ये आ गई एक और टनल, चौथी टनल, ये भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग कर रखी है अंदर से और नीट एंड क्लीन है एकदम। और लाइट्स भी इतनी सुंदर लग रही है टनल के अंदर जो लगा रखी हैं। और फोर्थ टनल ख़त्म होते ही हम अपनी फिफ्थ टनल में घुस चुके हैं। और ये भी बिल्कुल बाकी टनल्स की तरह ही है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये रही है हमारी सिक्स्थ टनल, बाकी टनल्स की ही तरह। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। और बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये रही हमारी सेवेंथ टनल। अभी इसे इतना स्मूथ नहीं किया गया है, सचमुच कितनी मेहनत लगती है टनल्स बनाने में, अंदर से देख के पता चल रहा होगा आप लोगों को। Thank you.
इतना सुंदर व्यू हो और साथ में अपना हमसफ़र हो तो क्या बात है। सचमुच बहुत मज़ा आ रहा है और हम जल्दी से मनाली पहुंच जाएंगे। और फाइनली हम लोग मनाली पहुंच चुके हैं। 7 टनल पार करके हम मनाली आ गए हैं और अब जा रहे हैं अपने होटल में। और मिलती हूँ मैं आपसे आगे की वीडियोस में जल्द लेकर आऊँगी आप लोगों के साथ और शेयर करूँगी कि हम लोग मनाली में कहाँ कहाँ घूमे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून। बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल राखीज़ वर्ल्ड।